8.1.2 तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। अभिरंजक तकनीक एवं सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद 1910 के दशक में इनकी संरचना का स्पष्ट अवलोकन किया गया और पूर्ववर्ती विवरण की पुष्टि की गई। तंत्रिकाओं की व्यवस्था और वृद्धि संबंधी शोध 1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद आगे बढ़ा। इनकी संरचना के स्पष्ट अवलोकन से यह पाया गया कि तंत्रिकाएं विविध प्रकार की होती हैं और यह तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे से बनी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और कई माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इनमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका की विशेषता यह है कि इनकी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है, जिन्हें डेंड्रॉइड ब्रांच्ड ट्री लाइक कहते हैं। इनमें से कुछ लंबी विस्तारित संरचनाओं को एक्सॉन एक्सिस कहा जाता है। यह शरीर के दूरस्थ भागों तक पहुंचती है। कुछ एक्सॉन में वसायुक्त भित्ति पाई जाती है, जिसे माइलिन भित्ति कहते हैं। वैज्ञानिक श्वान ने अपने अध्ययन में पाया कि माइलिन भित्ति कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं, तंत्रिकाओं के विवरण के लिए वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी और रेमन कजाल को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनका विवरण 1850 के दशक में रॉबर्ट रिमार्क द्वारा दिए गए विवरण जैसा ही था। उन दिनों रिमार्क का विवरण किसी ने नहीं माना था। एक एक्सॉन पर माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसे लिपटी हुई होती हैं कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। चित्र में इन्हें अ से दर्शाया गया है। माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति, एक्सॉन को सहारा और सुरक्षा एवं कई एक्सॉन का गुच्छा बनने में सहायता मिलती है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से शुरू होने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से लेकर पैर की अंगुलियों के अंतिम छोर तक फैले होते हैं। अतः आपकी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं आपकी लंबाई के बराबर हैं। ऐसे लंबे एक्सॉन वाली तंत्रिका कोशिका का केंद्रक वाला सिरा कहाँ होगा? मस्तिष्क या मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में और कौन से अंग हैं? तंत्रिकाओं के अलावा हमारे मस्तिष्क व मेरुरज्जु में रक्त की नलिकाएं एवं तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली कई अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यह समस्त संरचनाएं त्वचीय ऊतक से लिपटी हुई होती हैं। इन पर भी अस्थियों से बने कवच, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के रूप में से मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तंत्रिकाएँ सुरक्षित रहती हैं। सूचनाएँ तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क के स्थानों से होते हुए प्रसारित होती हैं। ऐसे संपर्क स्थानों को साइनेप्स कहा जाता है। गौर करने की बात यह है कि साइनेप्स शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ है, पर वास्तव में दो तंत्रिकाओं या तंत्रिकाओं और पेशी ऊतक में साइनेप्स एक अंतराल है। इससे सूचनाएं कुछ रसायनों द्वारा प्रसारित होती हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचनाओं का आवागमन रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। तंत्रिकाओं एवं साइनेप्स से सूचना का प्रसार एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में आज भी शोध हो रहे हैं।